देश भर में गणेश चतुर्थी का महाउत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। घरों में लोग गणपति की स्थापना कर रहे हैं, विघ्नहर्ता को घर बुलाकर अपने सारे कष्टों का निवारण करवा रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी गणेश चतुर्थी के मौके पर लोग काफी उत्साह में हैं। जयपुर के मोती डूंगरी श्री गणेश जी के मंदिर में भक्तों का तांता लग चुका है। श्री गणेश का प्रिय भोजन लड्डू उन्हें प्रसाद के तौर पर अर्पित किया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में भी त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मंदिर में हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर भक्तों की ओर से लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश मेले की धूम वैसे तो 3 दिन तक ही रहती है, लेकिन भक्त उसके बाद भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। मान्यता है कि त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्टों का विनाश हो जाता है। भक्त यहां आकर अपनी मुरादें भी पूरी करके जाते हैं। वहीं बॉर्डर वाले जिले जैसलमेर में भी नजारा कुछ ऐसा ही है। यहां भी चूंधी गणेश जी के मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। खुद चूंधी नदी आगे आकर यहां भगवान श्री गणेश का जलाभिषेक करती हैं। नदी के किनारे लोग पत्थरों को जोड़कर घर बनाते भी दिखने लगे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर चूंधी गणेश जी के मंदिर में भक्त सच्चे मन से अपना घर बनाने की कामना करते हैं और यहां पत्थरों से खिलौने जैसा घर बनाकर जाते हैं, तो कुछ ही समय में उनका अपना घर भी बनकर तैयार हो जाता है। हरूर गणेश चतुर्थी की धूम है, माहौल भक्तिमय हो चुका है, श्रद्धालुओं के मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम खड़े हैं विश्व विख्यात चूंधी गणेश टेम्पल में। यह मंदिर जो है नदी के बीचों बीच स्थित है, बहुत चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर चमंद ऋषि ने तपस्या की थी। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता है कि यहाँ पे ये जो चूंधी गणेश जी की जो मूर्ति है, ये गणेश जी की जो भगवान है, यह घर देते हैं। घर देने वाले गणेश जी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कई जो महिलाएं हैं, गृहणियां हैं, घर बना रही है। इनको घर चाहिए, ये वरदान मांगने आई है गणेश जी से। आज चूंधी गणेश जी का तो उत्सव है, चूंधी गणेश जी का जन्मदिन है, और यहाँ पर कई प्रकार के जो उल्लास और धार्मिक जो है कई कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर विख्यात जो गणेश जी एकदम नदी के बीचों बीच है, ये नदी, ये मूर्ति कैसे आई, क्या हुआ, इसके बारे में कई प्रकार की मान्यता है। 1500 साल पुराना ये जो चूंधी गणेश जी का मंदिर है, और नदी में अपने आप बह के मूर्ति आई, गणेश जी यही विराजमान हो गए, प्रकट हो गए। कई लोग हैं यहाँ पे, कई लोग हैं, उनकी मान्यता है यहाँ पे, जो उनसे पूछेंगे किस तरह का यह मंदिर है चूंधी गणेश जी का, ये श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं, किस तरह की यह मूर्ति है, क्या इसके बारे में मान्यता है। जिस प्रकार से हमने यहाँ के इतिहास के बारे में पूर्वजनों से जाना, उसमें ऐसा ही लगता है कि ये मूर्ति स्वतः ही यहाँ अपने आप ही उत्पन्न हुई है, चाहे वो नदी की धारा से हो, चाहे इसका जो इतिहास रहा हो, लेकिन मान्यता यहाँ है कि चूंधी गजानंद जी के मंदिर के अंदर जो भी यहाँ आकर मकान बनाता है उसका मकान बन जाता है। और ऐसा यहाँ के महाराज जी को बार बार सुनने को मिलता है कि हमारा मकान हमने यहाँ बनाया था, और हमने उस मकान को, जब भी हमने अपना मकान यहाँ जिस स्टाइल से बनाया है वैसा हमारा मकान यहाँ बन गया है। तो कई लोग यहाँ आके वापस उस मकान बनने के बाद प्रसादी करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कई मंदिरों में आपने देखा कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग ही जाते हैं, लेकिन ये चूंधी गजानंद जी का मंदिर ऐसा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आते हैं, और सभी लोग यहाँ आके कल के दिन में जो गणेश चौथ का दिन है कल, वहाँ बहुत ही आनंद लेंगे और आके दर्शन करेंगे। गणेश जी पे कई और श्रद्धालु हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की मान्यता है। जय गणेश। मैं चूंधी गणेश लास्ट 35 साल से आ रहा हूँ। इसका सबसे बड़ी खासियत है कि नदी आती है, 6 फुट लंबी चलती, गणेश जी मूर्ति के कुछ नहीं होता है, बाकी सब दोस्तों ज्यादा मूर्ति के कुछ नहीं होता है। मैं 35 साल से आ रहा हूँ, बहुत चमत्कारी है। यहाँ जो भी श्रद्धालु घर बना रहे हैं उनका घर अवश्य पूर्ण होता है, और श्रद्धालु आते रहते हैं। किस तरह के श्रद्धा है, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं जैसलमेर से आया हूँ, आनंद चांडक मेरा नाम है। कई साल से हम इधर आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रसादी बनती है, प्रसादी में गुड़िया लड्डू बनता है। गुड़िया लड्डू यहाँ का बहुत फेमस है, और वो गणेश जी को किस तरह की आस्था है यहाँ पे? आस्था तो बहुत अच्छी आस्था है, और जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। कई महिलाएं जो घर बना रही है उनसे बात करेंगे, किस तरह की आपकी आस्था है, किस तरह की श्रद्धा आप घर बना रही है यहाँ पे? आस्था तो यूँ है कि हम 12-13 साल से आ रहे हैं, हमने भी यहाँ पे मनोकामना मांगा था और हमारा भी घर बना है, और बहुत मतलब कि कई महिलाएं इनसे बात करेंगे किस तरह की यहाँ पे जो है घर बना रही है। आप घर बना रहे हैं यहाँ पे, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपके दिल में है? घर में
मेरे को बहुत अच्छा लगता है। घर बनाना मेरे घर नहीं है इसलिए मैं घर बना रही हूँ, भगवान मेरे को घर दे। किस तरह से ये लोग कह रहे हैं घर दें, कई और श्रद्धालु है देखिए कितने तन्मय से घर बना रही है, इनकी कई कई इच्छा है घर की। हमारे अनशा थी, हमारे तो पूरी हो गई, दो मंजिल मांगा था, दो मंजिल हो गया है। 35 साल से मैं यहाँ पर आ रही हूँ, मकान जैसा मांगा वैसे मकान मिल गया है, और भी अच्छा है मांगने के लिए। ये बहुत चमत्कारी मंदिर है यहाँ पे, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हुई, मकान घर, जो लड़कियाँ घर वर मांगती है, स्त्रियाँ जो स्वागत है वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, सारी कामनाएं पूरी होती है। ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। आपने जब देख रहे हैं किस तरह ये महिलाएं जो हैं हर तरह से अपनी हर कामना पूर्ति के लिए गणेश जी पे आ रही है, चुंदी गणेश जी के दर्शन कर रही है, कई और महिलाएं उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा नदी का क्षेत्र है और यहाँ पर पूरी महिलाएं जो है घर बनाने में लगी हुई है। कितनी श्रद्धा है आपकी, कितनी आस्था है गणेश जी माथे, तो पूरी श्रद्धा ही है, सच्चा गणेश जी है। जो घर मांगो, वर मांगो, बेटा मांगो, सच्चे मन से प्रार्थना करो तो इनकी इच्छा पूरी होती है। सब पैदल भी आते हैं, सब सुबह से देखना 5 बजे से यहाँ भीड़ होती है, यहाँ पैर देने की जगह नहीं होती है। गणेश जी नदी में है, वो सच्चा है गणेश जी। जो इच्छा करो बच्चे पुत्र मांगो तो वो भी पूरी मनोकामना पूरी करते हैं। जय गणेश। कितनी कितना प्राचीन टेम्पल है ये, कितनी? मैं तो हर साल इस साल पैदल ही आती हूँ। आज यहाँ तो चुंदी गणेश की प्रसादी थी तो गुड़िया बांधना था तो आ गए सुबह सुबह। वो नदी में निकला था ये गणेश जी, भारत में पहला ये गणेश जी का मंदिर ही जो नदी में ही है। भारत में ये पहला मंदिर, इनका ये कहना है कि ऐसा मंदिर बहुत कम होते हैं, बहुत मतलब कई प्रकार के चमत्कार से जो परिपूर्ण मंदिर है। किस तरह की गणेश जी को लेके मान्यता है? मैं जब 12 साल का था तब यहाँ निकट रूपसी गांव में रहता था, वहां से मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे लेके आते थे, मेरी माताजी और पिताजी और मैं। हम उस टाइम से इस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। पूरे जैसलमेर और इसके आसपास के दूर दराज से यहाँ पे दर्शनार्थ आते हैं और इनके गजानन जी के चमत्कारों का लाभ प्राप्त करते हैं। चुंदी गणेश जी के प्रबंधक मेरे साथ है ये, और आपने को और ज्यादा अच्छी जानकारी देंगे कितने लोगों की आस्था का यह केंद्र है, कितना प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में बताएं कितना प्राचीन मंदिर है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ये मंदिर करीब 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 1500 साल पुराना मंदिर है ये, और यहाँ से करीब बीकानेर, जोधपुर, अपने जैसलमेर, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के कई लोग यहाँ से आते हैं। देश के कोने कोने से भी लोग आते हैं, देश के कोने से, गुजरात से, बॉम्बे से खूब लोग आते हैं। और कितना प्राचीन मंदिर है और किस तरह की लोगों में आस्था चमत्कार है, किस तरह की आरतियां होती है यहाँ पे? ये मंदिर जो प्राचीन है, चवन ऋषि जी का आश्रम है यहाँ पर। यहाँ पर है जो चवन ऋषि जी ने तपस्या की थी, 500 साल इतिहास में लिखा हुआ है। ये मंदिर भी लगभग अपने राजस्थान जैसलमेर की स्थापित से पहले का मंदिर है ये। मंदिर करीब जो इतिहास बता रहे हो 1500 साल पुराना मंदिर है, और इसमें जो मूर्तियां खंडित पड़ी है, वो मूर्तियां खंडित भी जो पीछे रखी हुई है वो आप देखेंगे, उसमें भी 700 साल को 750 साल अंकित किए हुए। दूसरे यहाँ पर ऊपर आप कहीं जाएंगे जो ऊपर बहुत सारे ऐसे पिलर बने हुए हैं, वो पिलर नहीं है एक्चुअली, वो ऋषि मुनिया ने यहाँ पर तपस्या की। उस तपस्या हर एक ने, किसी ने 275 साल तपस्या की, किसी ने 255 साल तपस्या की, इस प्रकार से तपस्या की है, और पीछे अपना चोड़ा छोड़ के जाते हैं जो अपना स्थान बना के गया। और ये जो काग नदी का किनारा है, यहाँ भी हजारों घर जो मॉडल बने हुए हैं इसके बारे में कई, मतलब आप देखो हजारों मॉडल यहाँ पे, मतलब घरों के लोगों ने अपने मनोकामना के लिए बनाए हुए हैं। यहाँ पर ऐसा एक गजानन जी के प्रति लोगों की श्रद्धा है कि यहाँ पर अपना मकान बनाने से उनकी मकान जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी होती है। और ऐसे उदाहरण कई बार ऐसे आए, कई बार से गुजरात से, बीकानेर से कई लोग आए हैं जिनकी मनोकामना पूरी है, वापस दर्शन कर परिवार समेत दर्शन करने के लिए आए और हमसे मिले भी है और हमको उसकी बताइए भी है। और दूसरा, यहाँ पर अगर किसी के सगाई संबंध नहीं होता है और तो वो भी यहाँ पर मन्नत मांगते, उनकी मन्नत पूरी होती है। तो इस तरह यह पूरा प्राचीन जो मंदिर है, पूरा ऋषि मुनियों का तपस्या स्थल है चुंदी गणेश जी का मंदिर, पूरे देश विदेश में विख्यात है। जब यहाँ पे बरसाती नदी चलती है, ये जो जगह है, ये स्थान है, ये बरसात की नदी के बीचों बीच स्थित है, गणेश जी इसमें प्रकट हुए थे। तो आज पूरे देश से कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। वाकई अद्भुत मंदिर है और कई चमत्कारों का ये परिपूर्ण मंदिर है, और अपनी लोक आस्था और श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं, उनकी आस्था जरूर गणेश जी पूरी करते हैं। आज गणेश चतुर्थी का जो दिन है, पूरा भव्य मेला आयोजित हो रहा है, दूर दूर से लोग आए हैं।
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग पैदल यात्राएं कर रही है अपने मन वांछित वर के लिए, अपने मन वांछित फल के लिए पैदल यात्राएं कर रहे हैं, और कितनी दूर से यहाँ पे लोग सुबह रवाना हो गए, अभी भी पहुंच रहे हैं। तो कहा जाए अद्भुत और चमत्कारों से यह चुंदी गणेश जी का मंदिर सबके दिल में बसा हुआ है, हर तरह की श्रद्धा व आस्था का केंद्र है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।